गैंग्स ऑफ वासेपुर से रातों रात स्टार बन गई थी ये एक ट्रेस, एक विज्ञापन से खुली थी किस्मत। बॉलीवुड की बोल्ड गर्ल हुमा कुरैशी 28 जुलाई को अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं। हुमा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से की थी, जिसने उन्हें कामयाबी के मुकाम पर पहुँचा दिया था। हुमा को हिंदी सिनेमा जगत में 6 साल हो चुके हैं और इतने कम समय में ही उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाकर इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना ली। तो चलिए हुमा के जन्मदिन पर उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं। हुमा कुरैशी ने इतिहास में बैचलर की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज से ली। इसके साथ ही दिल्ली में वो थिएटर ग्रुप से भी जुड़ी रही। फिल्मों में आने से पहले हुमा कुरैशी कई विज्ञापनों में नजर आई थी। इन विज्ञापनों में पिल साबुन, सैमसंग और नेरो लेक शामिल थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले हुमा कुरैशी तमिल फिल्म बिला 2 से डेब्यू करने वाली थी। हालांकि फिल्म में देरी होने की वजह से हुमा ने इससे किनारा कर लिया था। कहा जाता है कि सैमसंग के विज्ञापन में हुमा कुरैशी को देखने के बाद अनुराग कश्यप ने उन्हें अपनी फिल्म में लेने का फैसला कर लिया था। अनुराग ने हुमा से कॉन्टेक्ट किया और गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए साइन कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि अनुराग कश्यप और कल्कि कोचलिन के तलाक की वजह हुमा कुरैशी ही थी। इन दोनों की नजदीकियों ने अनुराग और कल्कि के रिश्ते में दरार डाली थी। हुमा कुरैशी का नाम बॉबी जासूस एक्टर अर्जुन बजवा के साथ भी जोड़ा। हालांकि यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका और दोनों कुछ समय बाद एक दूसरे से अलग हो गए।